हिमाचल प्रदेश के इस मंदिर की पहाड़ी से कभी घी टपकता था, लेकिन कैसे और क्यों इस पहाड़ी से घी बहना शुरू हुआ और क्यों यहाँ से घी बहना बंद हो गया, चलिए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है राजगढ़। ऐसा है कि इस गांव में रोज किसी न किसी की मृत्यु हो जाया करती थी और अंतिम संस्कार करना पड़ता था, और जब किसी की मृत्यु नहीं होती थी तो शमशान में घास की चिता जलानी पड़ती थी। यहाँ के लोगों को वहम होने लगा कि अगर हम शमशान में किसी की चिता नहीं जलाएंगे तो कुछ आपदा हो जाएगी। तो हर रोज के दुखदायी संस्कार से बचने के लिए लोगों ने एक साथ माँ शक्ति की आराधना शुरू की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ शक्ति ने एक व्यक्ति पर अपना प्रभाव दिखाया। देवी का आदेश बताते हुए माँ ने कहा, मैं तुम सबका कल्याण करती हूँ, तुम्हें किसी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी यही स्थापना कर मंदिर का निर्माण कर दो। लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो उन्होंने विनती की कि हे माँ, अपनी उपस्थिति का प्रमाण हम भक्तों को दीजिए। इस पर जिस व्यक्ति पर देवी आई थी सामने की चट्टान की ओर संकेत कर दिया। जैसे ही भक्तों ने उस चट्टान की तरफ देखा, चट्टान से घी बहता नजर आया। इसके बाद यहाँ से हमेशा घी बहता रहता था और इसका उपयोग लोग माँ की जोत जलाने साथ ही अपने घरों में भी करते थे। एक बार एक भेड़ बकरी चलाने वाला इस पहाड़ी के पास से गुजर रहा था। मंदिर देख वह यहीं बैठ गया और रोटी खाने लगा। फिर उसने अपनी रोटी पर घी लगाने के उद्देश्य से अपनी जूठी रोटी चट्टान पर रगड़ दी जहाँ से घी बह रहा था। उसकी रोटी पर तो घी लग गया, लेकिन फिर यहाँ से घी बहना बंद हो गया।